तो ये जो है ब्रज भूमि का आखिरी छोर पर ही आता है, इसलिए जो सौधत के नाम से ये जाना जाता है। अच्छा। वैसे नाम आश्रम का बद्री नारायण है और सूरज कुंड का नाम है। तो यह भगवान ने आपस में मंत्रणा कोई मिलान हुआ है देवताओं का, सूर्य नारायण का और बद्री नारायण का। राधे 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 राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात ब्रज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं ब्रज क्षेत्र के एक बहुत बड़े गांव सौंद में। सौंद गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पुराने समय की याद दिलाती हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे भवन हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, ओतप्रोत हैं। तो दोस्तों आज हम चलेंगे सौंद गांव के अंदर, एक सूरज कुंड नाम का मंदिर है। उसको वैसे तो लोग सूरज कुंड नाम का मंदिर कहते हैं, लेकिन असलियत में जो वहां पर कुंड है उसका नाम तो है सूरज कुंड, और जो वहां पर मंदिर है वह बद्री नारायण का मंदिर है, वह बद्री नारायण का मंदिर है। लेकिन दोस्तों लोग उन दोनों को जोड़ करके सूरज कुंड मंदिर कह देते हैं। दोस्तों इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और इसका इतिहास बहुत ही पवित्र भी है और बहुत ही साफ भी है। इस जगह पर बद्री नारायण और सूर्य देवता एकत्रित हुए थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ बातचीत की थी। तो इसी जगह पर बद्री नारायण प्लस सूरज कुंड बना दिया गया। अब दोस्तों बात आती है कि इसका महत्व क्या है। जो सूरज कुंड है यह बहुत ही नामी है, क्योंकि ब्रज परिक्रमा के अंदर यह अकेला ही सूरज कुंड पड़ता है जो कि सौंद गांव के अंदर पड़ता है। इसको ब्रज कुंड की उपाधि भी दी गई है, इसको ब्रज कुंड भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर बहुत ही लोगों का विश्वास है, जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर भंडारा किया जाता है, बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और फिर बारिश हो जाती है इस गांव में। और इसी मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है, जिसको कई वर्ष गुजर चुके हैं जो कि अभी तक अखंड ज्योत जली हुई है। मानना यह है कि इस मंदिर की मान्यता ये है कि इस गाँव में ओले वृष्टि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर अखंड ज्योत जलाई जाती है और लोगों की आस्था है। दोस्तों वह जो भंडारा होता है इस मंदिर के अंदर, वह बहुत ही बड़ा भंडारा होता है, वह सिर्फ और सिर्फ इस सौंद गांव के लिए ही नहीं होता है, उसमें बाहर के लोग भी आ जाया करते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और भंडारा वैसे तो मंदिर के पास ज़मीन बहुत सारी दे रखी है गाँव वालों ने, लेकिन जो भंडारा होता है उसका महत्व ये है कि हर घर से जिसके पास जितने भी कीले हैं उस कीले के हिसाब से 1.25 किलो गेहूं हर घर में से उगाया जाता है। यानी किसी के पास एक कीला है तो वह अपने एक कीले का हिसाब से 1.25 किलो गेहूं यहां पर दान करता है और फिर यहां पर भंडारा होता है। वैसे दोस्तों ज़्यादातर लोग 1.25 किलो गेहूं देने की बजाय चाहे पूरा कट्टा ही दे देते हैं या फिर एक मन दे देते हैं, एक क्विंटल दे देते हैं, इस तरह की मान्यता है। लोग बड़े प्यार से प्रेम पूर्वक यहाँ पर इस भंडारे का आयोजन पूर्ण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सूरज कुंड है, जिसको गांव में तो पोखर बोलते हैं, सूरज कुंड पोखर, लेकिन असलियत में वह सूरज कुंड है जो ब्रज का कुंड, एकमात्र ब्रज का कुंड है। इसमें नहाने से बताया जाता है, इसमें नहाने से बहुत सारे पाप कट जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बद्री नारायण जी का जो मंदिर है बहुत ही मान्यता है, गाँव के अंदर सबसे बड़ा मंदिर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे गाँव के और 52 पालों के सरदार जो कि अरुण जेलदार जी हैं, वो भी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं जब कोई भी कार्य इस मंदिर पर होता है। आज इसी मंदिर पर हम पहुंचे हैं और यहां पर हमारे छोटे भाई आपको मंदिर से रूबरू करवाएंगे, यहां की चीज़ों को दिखाएंगे, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, किसी का सवाल था कि लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सा इंद्रदेव को भी यहां पे क्लियर करके चलता हूं। दोस्तों इंद्रदेव कोई देवता का नाम नहीं है, इंद्रदेव एक पदवी है। जैसे गाँव के अंदर प्रधान, सरपंच, MLA या इनकी पदवी होती है, उस पदवी पर मान के चलो सरपंच की पदवी है तो आज कोई और बैठा है उस पदवी पर, कल कोई और बैठेगा। इसी तरह से इंद्रदेव की जो पदवी है वहाँ पर 14 इंद्रदेव हो चुके हैं, वहाँ पर कभी कोई बैठता है कभी कोई बैठता है। अब किसी ने पूछा है कि इसकी पूजा क्यों नहीं की जाती, पूरे इंडिया में इंद्रदेव का एक भी मंदिर नहीं है, आखिर क्यों? दोस्तों इंद्रदेव देवताओं का राजा है और यह एक पदवी है कि भाई समय के हिसाब से वह पदवी छिन जाया करती है, अगर बलशाली राजा आ जाएगा तो पदवी को छीन लेगा। इंद्रदेव का काम क्या था कि कोई भी पूजा करता था, अर्चना करता था, उसे लगता था कि यह पावर हासिल करेगा और मेरी पदवी को छीन लेगा, इसलिए वह उसकी पूजा में विघ्न डाला करता था। इसी तरह से ध्रुव भक्त हुए थे, आंधी बारिश करना, उसकी पूजा में विघ्न डालना, यह इंद्रदेव का काम था।
इसी तरह से दोस्तों इंद्रदेव ऋषि मुनि जब तपस्या करते रहते थे तो वहाँ पर अपनी मेनकाओं को अप्सराओं को भेज दिया करता था उनकी तपस्या खराब करवाने के लिए, जिससे कि उसके पद को कोई न छीन सके। इसी तरह से एक बार वह धरती पर विचरण कर रहे थे और उस समय धरती पर गौतम ऋषि हुआ करते थे, उनके साथ उनकी पत्नी रहा करती थी। पत्नी का नाम था अहिल्या, जो कि एक पति व्यर्थ थी, पूजा अर्चना में वह अपना समय गुजारा करते थे। इंद्र की नज़र उसकी पत्नी अहिल्या के ऊपर पड़ती है, वह बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब इंद्र का मन उसके ऊपर आ जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, जैसे सुबह होती है, सुबह 4 बजे गौतम ऋषि नहाने के लिए गंगा स्नान नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तभी गौतम ऋषि अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में छोड़कर स्नान करने के लिए नदी की तरफ चले जाते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर इंद्रदेव वहाँ आ जाते हैं और गौतम ऋषि का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर उसके साथ वो शर्मसार वाली हरकत करते हैं जो किसी देवता को शोभा नहीं देती है। दोस्तों यह काम करते हुए जब वहाँ पर गौतम ऋषि वापस आ जाता है तो वह इंद्र को देख लेता है कि इसने मेरा रूप बनाया हुआ है, यह तो इंद्र है। दोस्तों उसके बाद इंद्र वहाँ से भाग छूटता है। गौतम ऋषि उसको श्राप दे देते हैं कि तेरी आज से कोई पूजा नहीं करेगा धरती लोक पर। तो इस तरह से इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है। उसको गद्दी को बचाने के लिए उसने कृत्य ही ऐसे ऐसे किए थे कि लोग उसकी पूजा करना बंद कर देते हैं। दोस्तों अब सूरजकुंड मंदिर के दर्शन आपको हमारे भाई कराएंगे, देखिए। हम आए हैं आज सूरज कुंड में। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में पूरे 1100 कुंड हैं और जिनमें से एक ये भी है। तो आप देख रहे हैं कि सूरज कुंड जो है उसमें बच्चे नहा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहे हैं। और इसके बारे में बहुत ही प्राचीन इतिहास है जो बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से है ये। और ऐसे जो सूरज कुंड है इसका जो उल्लेख है वो भागवत में भी है। तो दोस्तों चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं आपको और कुछ। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सप्ता बैठाया हुआ था, भागवत का पाठ हुआ था और चिली का प्रसाद बना हुआ था। तो यहाँ पे हम आए हैं तो कुछ हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ पे खाना पीना कर रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ये है यज्ञ की अग्नि, जो यज्ञ हुआ था उसकी वो है, और ये यहाँ पे भागवत बैठा था और ये चिली प्रसाद बना हुआ है। ये हमारे बुजुर्ग हैं भैया। यहाँ पे जो भागवत का पाठ है वो हुआ था और उसके बाद हमारे गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राम राम जी। तो ये सप्ताह किस उपलक्ष्य में बनाया गया है इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये भैया महाराज जी यहाँ महंत श्री महंत बनने के लिए सप्ताह को निर्माण। और कुछ? और युवा भैया हमारे बस्ती माता जी हम अच्छे ही कर्म होते ही रहे। तो जैसा कि आपने देखा हमारे ताऊ जी बहुत अच्छी तरह से बोले, आप कुछ बोलना चाहोगे जी इसके बारे में? हमारे बड़े भाई हैं वो कुछ बोलना चाहेंगे जो इस मंदिर पे जो भंडारा हुआ उसके बारे में। तो बड़े भाई बताइए। ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है जी, जब से हमने जन्म लिया था उससे पहले ही हमारे बुजुर्ग हैं जो वो प्रसाद का आयोजन करते आए हैं। अच्छा जी। और मैंने ये सुना था कि इससे ये होता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा जी। उससे पहले हवन भी होता है यहाँ पे, उससे हम जब छोटे थे तो ये कहते थे कि बारिश होगी इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, और फिर उसके बाद बारिश भी होती थी। अच्छा जी। और अब हमारे जो मंदिर के महंत बने हैं और यहाँ पे सुबह परशुराम जी, उसके उपलक्ष में बहुत मंडलेश्वरों का आयोजन किया गया था जी। साधु संत आए थे, उनका सम्मान किया, प्रसाद का वितरण किया गया जी। तो ये बहुत श्रद्धा पूर्वक पूरे समाज का बनाया जाता, पूरे गांव बस्ती का होता है जी। तो जैसा कि आपने सुना हमारे भाई जी ने बताया कि ये जो परंपरा है बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से चली आ रही है और हमारे गाँव में हर वर्ष ऐसा भंडारा किया जाता है जिससे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। भैया और ये बहुत पुरानी समय से चल रहा है, जो हमारे दादा गंगा बकस जेलदार जी है उनके सामने से चल रही है ये। अच्छा। परंपरा धर्म पर यहाँ बड़े बड़े होते रहते हैं जी।
जैसा कि ताऊजी ने बताया कि इतने पुराने समय से जो हमारे दादा जेलदार जी थे, गंगा बकस जेलदार जी, उनके टाइम से चला हुआ है ये। तो इसी के साथ चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग आ चुके हैं अपने सूरजकुंड मंदिर पे। तो इस मंदिर का जो मेन मान्यता है वो बद्रीनारायण जी के मंदिर के नाम से है, और यहाँ की मूर्ति का भी एक अलग ही इतिहास है जिसको मैं आपको चलते हुए बताऊंगा। तो आइए मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं आपको। तो इस मूर्ति का जो इतिहास है वो यह है, राम मंदिर के जो प्रांगण है उसके अंदर हम आ चुके हैं, और बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। तो जो मंदिर के महंत हैं उनसे थोड़ा बात करेंगे, परशुराम दास जी, श्री महंत, श्री महंत परशुराम दास जी से बात करेंगे मंदिर के बारे में। अच्छा जी, पूछो। तो जी, ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर जी, श्री बद्रीनारायण भगवान। अच्छा जी। और यहाँ कभी वेदों के अनुसार जी, पुराणों के अनुसार यहाँ सूर्यदेव और बद्रीनारायण का वार्तालाप हुआ है जी। तो तभी से आज कम से कम 2000 साल पुराना आश्रम है ये। अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है, और ऐसे भंडारे साल में 2-3 बार होते रहते हैं। अच्छा, धर्म सम्मेलन होता है, धर्म ये जागरण भी होता है, कीर्तन भी होता है जी। तो यहाँ ये सारी क्रियाएँ होती रहती हैं। अच्छा, हाँ। और आप पूछते रहिए, मैं और मूर्ति के बारे में बताइए। मूर्ति के बारे में कुछ हमने सुना था कि ये जो जमीन से निकली है। हाँ, जमीन से निकली है, प्रकट हुआ है। अच्छा, हाँ, ये सूरजकुंड मंदिर से प्राचीन मंदिर रहा है, बहुत पुराना मंदिर रहा है। लगभग कितना पुराना होगा महाराज जी? लगभग 2000 साल पुराना। अच्छा, इस मंदिर का जो इतिहास है लगभग 2000 साल पुराना है, जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया। हाँ, 2000 साल पुराना मंदिर है, और काफी समय से जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। दीवारें बता रही हैं आप, इसकी बनावट देख सकते हैं। अभी तो खैर चलो, मैंने चढ़वा फड़वा के वो जो प्राचीन था खंडर हो गया जी। वो खंडर के बाद में फिर मैंने अपने हिसाब से इसको जो है तो पत्थर में बदल दिया है। अच्छा, लेकिन दीवार है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने बताया कि जो इसका इस मंदिर का जो इतिहास है लगभग 2000 साल पुराना है, और फिलहाल इसका पुनर्निर्माण करवा दिया गया है महाराज जी के। कई बार हो चुका है। अच्छा अच्छा, जो जो और विशेषता ये है कि ये सौंदहद सौंदहद गांव के नज़दीक आता है, और ये ब्रिज 84 कोस परिक्रमा में आता है। अच्छा, हाँ, यहाँ से हद ब्रिज 84 कोस की पूरी हो जाती है। अच्छा, तो ये हद में बसा हुआ बहुत प्राचीन और गांव बस्ती की कि उससे ये चलता है जी। आश्रम को चलाना गांव बस्ती के ऊपर ही निर्भर है इसका। बिल्कुल, हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना महाराज जी के मुख से कि यह जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है, और इसकी जो ये मंदिर है ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा की हद में पड़ता है। यहाँ से मतलब जो ब्रिज 84 कोस की यात्रा होती है यहीं से निकलती है, श्रद्धालु यहाँ पर रुकते भी हैं। हजारों आदमी की संख्या, हजारों की संख्या में, लाखों कह सकते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ से परिक्रमा करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। 10,000 आदमी तो मेरे पास में यहाँ 24 घंटे में मतलब आगे मतलब गुजर जाता है। अच्छा, खाना पीना बन रहना करना मैं उसका बयान करता हूँ। ब्रिज 84 कोस में ही आता है जी। तो ये जो है ब्रिज भूमि का आखिरी छोर पे ही आता है, इसलिए जो सौंदहद के नाम से ये जाना जाता है। वैसे नाम आश्रम का बद्रीनारायण है, और सूरजकुंड कुंड का नाम है। तो यहाँ भगवान ने आपस में मंत्रणा कोई मिलान हुआ है देवताओं का, सूर्य नारायण का और बद्री नारायण का। राधे 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 राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम लोग आए थे आज सूरजकुंड सौंद, सूरजकुंड का जो कुंड है और मंदिर है बहुत ही प्राचीन, इसका इतिहास है। तो इसी के साथ मैं अभी अपनी वीडियो को यहाँ पे अंत करना चाहूंगा। तो धन्यवाद, जोर से बोलो राधे राधे।